बना था तो मैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को देखता था जिनका मिलियन सब्सक्राइबर्स है, किसी का 2 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन, किसी का 1 लाख, किसी का 2 लाख, जितने भी सब्सक्राइबर्स है। तो उन लोगों का चैनल देख करके मैं अपने आप में कभी ना सिर्फ अंदाजा लगाता था कि आखिर जो है इस पे, इस चैनल पर अगर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है तो ये इतना पैसा कमाता होगा। मैं खुद से सोचता था 3-4 लाख रुपया जरूर कमाता होगा, तो कभी सोचता था 8-10 लाख कमा लेता होगा क्योंकि स्पॉन्सर मिलता है, यूट्यूब चैनल से अर्निंग होता है। तो इसी तरह से दोस्तों आप सबका भी मन में कभी ना कभी ये डाउट्स तो जरूर होता होगा कि यार किसी चैनल पर अगर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है तो वो यूट्यूबर कितना ज़्यादा पैसा कमा सकता है या फिर कितना कमाता है। कोई 1 लाख सब्सक्राइबर है वो कितना कमाता है, कोई 1 मिलियन सब्सक्राइबर वो कितना कमाता है। तो इस तरह से आप लोग भी कभी ना कभी सोचते होंगे किसी भी यूट्यूबर के बारे में कि ये बंदा जो है हो सकता है 10 लाख रुपया महीना कमाता है, ये 2 लाख रुपया महीना कमाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं दोस्तों आप लोगों को पूरा क्लियर एक्सप्लेन करूंगा कि अगर कोई एक यूट्यूब चैनल है जिसमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है तो वो कितना पैसा कमाता है, या फिर कोई 1 लाख सब्सक्राइबर्स है वो कितना पैसा कमाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी के बारे में बताऊंगा, तो जो कि आप लोगों को सुनने में बहुत ज़्यादा मजा है। अगर आप लोगों का डाउट भी मैं क्लियर कर दूंगा, आप लोग खुद समझ जाओगे कि वो चैनल कितना पैसा कमा सकता है। तो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल पर नया या सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए गाइस आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स मैं बता दूं, अगर मैं घर पे रहता हूं और बोर फील करता हूं, अगर मैं फ्री टाइम में रहता हूं तो मैं इंटरटेनमेंट के साथ साथ पैसे कमाता हूं, जिसके लिए एक एप्लीकेशन है MPL। यहां पर दोस्तों आप लोग गेम खेल के पैसे कमा सकते हो, जहां पर मैं भी पैसे कमाता हूं। तो चलिए दोस्तों एक गेम मैं यहां पर प्ले करता हूं। सो गाइस आप जैसे ही MPL को ओपन करोगे आपके सामने बहुत सारे गेम्स आते हैं। तो चलिए मैं एक गेम खेलता हूं, यहां पर रनर गेम खेल रहा हूं, तो ये देख सकते हो। ठीक है ये गाइस, ये देखिए मैंने 25 रुपये जीत गया और इसको मैं अपने आराम से पेटीएम या फिर UPI से विड्रॉल भी कर सकता हूँ आराम से। तो गाइज आप लोग भी MPL को जरूर खेलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर डाउनलोड करो और खेलना शुरू करो। सो गाइज चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि कोई एक यूट्यूब चैनल है जिसमें मिलियन सब्सक्राइबर्स है तो वो कितना पैसा कमाता है। तो दोस्तों अगर इसका मैं एक जवाब दूं कि कितना पैसा कमाता है, तो मैं बता दूं वो क्रिएटर पे डिपेंड करता है कि वो कितना पैसा कमाएगा। अब आप लोग बोलोगे यार ये क्या बोल रहे हैं मनोज भाई, तो मैं आप लोगों को इसी के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि ये क्रिएटर पे डिपेंड करता है। अगर मेरा चैनल है और मैं यहाँ पर क्रिएटर हूँ तो मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं महीने में कितना पैसा कमाऊंगा या फिर कितना कमा सकता हूँ, ये मेरे पे ही फुल डिपेंड है। अब मैं बताऊंगा कि कैसे। तो गाइज मैं बताना चाहूँगा सबसे पहली बात कि यूट्यूब से देखिए बहुत सारे वेज है पैसे कमाने के। अगर आपके यूट्यूब चैनल एक बहुत अच्छा खासा स्टैंड किया है आपने, जिसमें सब्सक्राइबर्स बेस अच्छा है, आपका व्यूज़ आता है अच्छा खासा, तो आपका बहुत 4-5 वेज ऐसा है जहाँ से आप पैसे कमा सकते हो और सेफली पैसे कमा सकते हो और 100% कमा सकते हो। सिर्फ आपका ऑडियंस होना चाहिए आपके हाथ में। तो गाइस मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि यहाँ पर यूट्यूब से कितने पैसे कमाते हैं। अगर कोई एक मिलियन सब्सक्राइबर्स है तो वो यूट्यूब से कितना पैसा कमा सकता है। ठीक है तो गाइस सबसे पहली बात कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर से या फिर 500 के सब्सक्राइबर से, 100 के सब्सक्राइबर से, 10 मिलियन सब्सक्राइबर से, सब्सक्राइबर से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है यूट्यूब चैनल के अर्निंग पे। ये सबसे पहली बात आप लोग दिमाग से डाउट ये हटा देना, सारा अर्निंग डिपेंड करता है व्यूज पे। उसके बाद अर्निंग जो होता है वो फ्लक्चुएट होता है कैटेगरीज वाइज। जैसे कोई कॉमेडी चैनल है, कोई वाइंस चैनल है, कोई कार्टून चैनल है, कहीं पे पबजी गेमिंग चैनल है, कोई टेक चैनल है, कोई म्यूजिक चैनल है, तो इस तरह से जितने भी कैटेगरीज है इस हिसाब से वो भी फ्लक्चुएट होता है। कोई 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है जिसके चैनल पर 100K मान लीजिए पर वीडियो व्यूज आता है, एवरेज व्यूज मान लीजिए 100K आता है, तो वो अगर टेक चैनल है और एक है म्यूजिक चैनल और दोनों का व्यूज सेम है, सब्सक्राइबर सेम है, तो म्यूजिक चैनल जितना कमाएगा उससे 4 गुना वो टेक वाला कमा सकता है। ठीक है ये कैटेगरी वाइज फ्लक्चुएट होता है जैसा कि मैंने बताया। तो यहाँ पे अगर कैटेगरी वाइज बताऊँ कि सबसे ज्यादा अर्निंग किस पे होता है, तो ये मैंने पहले भी बताया सबसे ज्यादा अर्निंग होता है टेक रिलेटेड चैनल पे। अब क्यों होता है इसके बारे में बताता हूँ। तो गाइस जितने भी यहाँ पर एडवर्टाइज चलते हैं यूट्यूब पे, आप लोग देखना मैक्सिमम एडवर्टाइज जो होता है वो टेक चैनल से रिलेटेड सूटेबल होता है, वो मतलब टेक पे जाके वो सूट कर जाता है। जैसे आप कोई भी एक ब्रांड का नाम ले लो, ठीक है कोई ब्रांड का नाम लेना यह सही नहीं रहता, लेकिन मैं बताता हूँ कोई मान लीजिए स्मार्टफोन अभी लॉन्च हुआ तो उसको उनको जो है ऐड चलाना है तो वो ज़्यादा प्रीफर कहाँ करेंगे, टेक वाले चैनल पर करेंगे। वो म्यूजिक चैनल पर जाकर के ऐड नहीं चलवाएंगे क्योंकि उनको म्यूजिक चैनल पर वैसा ऑडियंस नहीं मिलेगा, लेकिन टेक वाले पर वो टारगेट ऑडियंस मिलेगा उनको, जिनको टेक से रिलेटेड नॉलेज मतलब इंटरेस्ट है, वहीं तो वो टेक चैनल देखते हैं तो उनको स्मार्टफोन पे भी इंटरेस्ट होगा। तो इसीलिए मैक्सिमम एडवर्टाइज जो चलते हैं यूट्यूब पे वो टेक रिलेटेड चैनल पर जाकर के सूटेबल बैठ जाते हैं। ठीक है और कोई कोई ऐसा ऐड होते हैं जो सारे चैनल्स पर जाता है, सारा ऐड सारे चैनल पर चलता है ये भी मैं बताना चाहूँगा, लेकिन मैक्सिमम ऐड जो होता है वो टैग वाले पे चलता है, जिस वजह से टैग चैनल पर अर्निंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर बताता हूँ कि कितना होता है। गाइज अगर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है और उसके वीडियोज पे हर एक वीडियोज पर अगर 100K व्यू आता है
तो आप लोग समझ सकते हो। अप्रोक्स मैं बताऊंगा, एक टेक चैनल है जिसमें 100K पर वीडियो व्यूज आता है, वो 1.5 से 2 लाख रुपया आराम से अर्न कर सकता है। अब अर्निंग देखिए, पुराना पुराना जितना चैनल होता है, जितना ओल्ड चैनल होगा उसका अर्निंग ज़्यादा होता है, जितना न्यू चैनल होता है उसका अर्निंग थोड़ा कम होता है। ये यूट्यूब का फंडा है, नहीं पता, जैसे जैसे चैनल पुराना होने लगता है वैसे वैसे अर्निंग बढ़ने लगता है, ठीक है, अगर व्यूज़ ऐसा आता है तो। यहाँ पर मैंने अप्रोक्स बताया कि अगर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, 100K पर वीडियो व्यू आता है, तो वो 1.5 से 2 लाख मंथली सिर्फ यूट्यूब से कमा सकता है, ओनली यूट्यूब से, यूट्यूब के एड से। अब दोस्तों यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आता है हमारे पास पैसे कमा